स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हमारे पास जो है वो एवरेज रेट क्या होता है। मतलब रेट क्या है? रेट हमारे पास जो है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान, यानी दो जिनके के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, इनमें एक रिलेशन का नाम है। मतलब कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितने टाइम बिगर है या स्मॉलर, ऐसे हम कहते हैं रेट। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब मैं यूं कहूँ कि अहमद जो है वो अपनी कार ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने जो है वो 800 मीटर का फासला 800 मीटर का फासला जो है वो उन्होंने तय कर लिया जी, फर्ज करें 60 सेकंड्स में, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम ये देखें कि ये इन्होंने कितनी स्पीड रही है, मतलब इसको हम स्पीड या रफ्तार कहते हैं, तो अब ये एक रेट है जो कि हम 1 सेकंड के हवाले से अगर देखें तो ये बना 80 मीटर इन 6 सेकंड। मतलब 6 सेकंड में उन्होंने 80 मीटर का फासला फिर तय किया होगा इसी लिहाज से। और फिर अगर इसको हम मजीद डिवाइड करें 6 के टेबल से, तो 6 1 टाइम 6 6 1 टाइम 6 फिर 20 आ जाएगा, 6 3 टाइम 18, और फिर 2 जो कि 6 से छोटा है, तो फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 20, फिर मतलब 3, तो 13.3 अप्रोक्सीमेट मीटर का फासला वो 1 सेकंड में उन्होंने तय किया। इसका मतलब कि ये जो है एक रेट है, ठीक है। अब ये एक एवरेज रेट है, मतलब कि अगर हम जो है अगर फिजिकली देखें तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि वो हर 1 सेकंड में 13.3 मीटर का फासला तय कर रहे होंगे। मतलब कि अगर चले मैं एक डेली लाइफ की बात करता हूँ, तो क्या पता किसी जगह पर उन्होंने अपनी रफ्तार कम की हो, कहीं पे तेज की रश है तो वहां पर स्लो हो जाएगी रफ्तार, फिर तेज हो जाएगी। तो इस तरह से इनकी रफ्तार की एक जैसी वैल्यू नहीं है, मतलब ये 1 सेकंड में एक जैसा जो फासला वो तय नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने इसको एक इस तरह से जब इनको टोटल, हम यूँ कहते हैं टोटल जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, टोटल टाइम है, तो ये जो हमारे पर रेट आता है इसे हम एक खास नाम दे देते हैं, इसे हम कहते हैं ये एवरेज रेट है। मतलब ये रेट तो था लेकिन अब हम इसे एक नाम दे देंगे, ये क्या है जी? एवरेज रेट है। तो हमें इस तरह से बात समझ में आती है कि एवरेज रेट रेट क्या होता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है कि अली जो है फर्ज करें 5 बर्गर्स जो है वो हम यूं कहते हैं कि वो उन्होंने 1 आवर में या 5 मिनट्स में खा लिए हैं, ठीक है, 5 मिनट्स में। तो अब अगर हम इनका ये रेट देख रहे हों कि इन्होंने 1 मिनट में कितना बर्गर खाए होंगे, तो वो 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5, यानी 1 बर्गर पर मिनट बन रहा है, ठीक है, यानी 1 मिनट में 1 बर्गर। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि स्टार्ट में जैसे हम स्टार्ट करते हैं खाना तो हम यानी कम वक्त में ज्यादा खा रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी भूख जो है वो कम हो रही होती है तो हमारी जो खाने खाने की रफ्तार है वो स्लो हो रही होती है। मतलब वक्त के साथ साथ, क्या पता पहले 1 मिनट में हम 2 बर्गर खा लें लेकिन फिर तीसरे मिनट में हमसे जो है वो आधा बर्गर खाया जाए, और इसी तरह स्लो स्पीड हो रही है। तो फिर अगर हम इस तरह से देखें तो ये जो हमने रेट लिया ये बेसिकली एक एवरेज रेट है, जो कि हम फिर अपनी पूरी उस जो क्या हम कह सकते हैं कि एक पूरा जो हमारे पास इंसिडेंट हैपेंड हुआ था, या जो एक हम पूरा एक जर्नी, जिस तरह ऊपर मैंने एक जर्नी की बात की, पूरा सफर हमने तय किया, उसकी एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। मतलब पूरा सफर हमने इस रेट से जो है वो तय किया, वो एक एवरेज रेट होता है। अब इसी तरह से अगर मैं एक डेली लाइफ का एक और प्रॉब्लम आपसे इस तरह से शेयर करूं कि हमारे पास एक पर्सन है जी, अब मैं इसी के हवाले से ही बात करूंगा कि वो पर्सन फर्ज करते हैं कि अहमद ही है, ठीक है अहमद है, और अब उन्होंने जो है वो डिजिटल कैमरा से कुछ जो है वो पिक्चर्स ली हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट्स ली हैं, ठीक है, और वो उन्होंने जो शॉर्ट्स की तादाद है उनकी वो 135 शॉर्ट्स हैं, ठीक है, और कितने टाइम में ली उन्होंने? 15 मिनट में। तो इनका जो रेट बनेगा, मतलब 1 मिनट में उन्होंने कितनी शॉर्ट्स ली होंगी, तो 15 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 15 1 टाइम 15, अगर ये 15 के टेबल से 135 डिवाइड होता, 15 जो है अगर हम यहाँ से देखें तो 15 9 टाइम 9 टाइम होता है जी 135, तो ये बना 9 शॉर्ट्स पर मिनट। आप देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 1 मिनट में 9 शॉट्स लें, लेकिन चूंकि जब हमने इसको कैलकुलेट किया जो रेट आया हमारे पास, एक एवरेज रेट आया वो ये आया। अब अगर हम इसी रेट को
ये रेट मतलब बदल भी, ड्यूरिंग जब ये परफॉर्म कर रहे थे बदल भी रहा था, मतलब कि अगर हम इंस्टेंटली देखें, लम्हाती तौर पर देखते जाएं, मतलब तो प्रैक्टिकली क्या पता किसी टाइम में उन्होंने जो है 1 मिनट में 7 शॉट्स लिए हो, किसी में 1 मिनट में उन्होंने 10 शॉट्स ले लिए हो, किसी में 11, फिर जब हम उनको सारों को सम अप करके जब एक एवरेज बात की तो ये फिर 9 शॉट्स पर मिनट आई है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं कि 1 घंटे में अगर वो इसी इसी रफ्तार से जो है वो शॉट्स लेते रहे तो कितनी पिक्चर्स वो बना लेंगे 1 आवर में। ठीक है, अब देखें, अब हम 1 आवर के हिसाब से हमें टाइम जो है वो बताया गया, तो अब हम क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ शॉट्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 1 आवर से। ठीक है, या 60 मिनट से, सिंपल 60 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और ये रेट जो हमारे पास चला आ रहा है वो 9 शॉट्स, 9 शॉट्स ठीक है पर मिनट है, 1 मिनट में इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर हम इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लें, मतलब नंबर ऑफ शॉट्स जो हमने ढूंढनी है इसको हम इधर ही रहने दें, नंबर ऑफ शॉट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 मिनट, मतलब 60 का मल्टीप्लीकेट 1 आवर, 60 का मल्टीप्लीकेटिव जो होगा इनवर्स वो 60 होगा, 60 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 मिनट इधर भी और 60 मिनट जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसी तरह। सॉरी, मैंने यहाँ पे 60 नहीं लिखा, 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो 60 मिनट 60 मिनट से कैंसिल, यहाँ पे 1 मिनट इस मिनट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शॉट जो होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 60 कितनी बनती है जी, 540 शॉट्स। ठीक है, तो हमने देखा कि जो अली सॉरी अहमद हैं, उन्होंने 1 घंटे में इसी रेट से अगर वो स्नैप्स लेते रहे, यानी पिक्चर्स बनाते रहे डिजिटल कैमरा से, तो वो 540 शॉट्स जो है वो एक एवरेज बेस पर वो ले सकते हैं।